तो गाइज़, आप भी बनाना चाहते हो अपने घर पे दाल मखनी एकदम क्रीमी वाला और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदन हलदार। फूड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो फाइनली एक बढ़िया रेसिपी में चलेंगे और बढ़िया रेसिपी बनाएंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे आज दाल मखनी। तो चलते हैं। और सबसे खास बात यह है, इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा, एकदम पूरा शाकाहारी बनेगा दाल मखनी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें सरसों का तेल, कच्ची गानी सलोनी का, बहुत बढ़िया तेल है ये। तो मैंने तेल डाल दिया, अब इसे अच्छे से गरम कर लूँगा। गरम करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगा जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें चार बारीक बारीक दालचीनी और दो हरी इलायची। अब एकदम बढ़िया तरीके से ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगा बड़े बड़े 5 टमाटर। मैंने टमाटर का यूज़ किया है और इसमें मैंने इसमें ना ही प्याज डाला ना ही लहसुन डाला, उसके बावजूद भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये दाल मखनी। और इसमें मैंने डाल दिया पूरा 40 ग्राम काजू, आप चाहो तो 30 ग्राम भी ऐड कर सकते हो, 20 ग्राम भी ऐड कर सकते हो। मुझे क्रीमी वाला दाल मखनी बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसलिए 40 ग्राम ऐड किया है। और उसके बाद ना मैं इसमें नमक डाल दूंगा, जो बढ़िया तरीके से आराम से गल जाए, एकदम ग्रेवी वाला बन जाए, एकदम इसे बढ़िया से फ्राई कर लूँगा बढ़िया तरीके से। यही मेन होता है दाल मखनी का, ग्रेवी बहुत ही मेन, यही मेन होता है मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद देख लीजिए कितना बढ़िया पूरा ग्रेवी टाइप का बन चुका है, बहुत बढ़िया हमारा ग्रेवी के लिए बन चुका है। तो इसे ठंडा कर लेंगे उतार के। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब मैंने तैयार कर लिया। यहाँ मैंने शाही पनीर मसाला यूज़ किया है, उसके बाद मैंने बारीक करके गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया, यहाँ पर काली मिर्च पीस के रखा था, ये पतंजलि का देसी घी, और यहाँ मैंने साबुत मूंग, साबुत उड़द और राजमा और लूबिया, ये 4 दाल का मैंने प्रयोग किया है। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक, मिर्चा, हल्दी और जीरा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अमूल क्रीम जो मेन है, और यहाँ कस्तूरी मेथी गोल्डी का, और यहाँ हमारे टमाटर और काजू का प्योरी। तो सब कुछ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलते हैं बनाते हैं दाल मखनी। तो फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सलोनी का सरसों का तेल डाल दिया है, और उसके बाद मैं डाल दूंगा चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक में इसमें डाल दूंगा चॉप किया हुआ, बढ़िया तरीके से थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करूंगा, पूरा भी नहीं फ्राई करूंगा इसे, एकदम हल्का फ्राई करूंगा। और उसके बाद मैं काजू और टमाटर का ग्रेवी जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। देखो हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है, मैंने इस ग्रेवी को मैंने छान लिया था बाद में छन्नी से, एकदम बढ़िया तरीके से मैं इसे, और इसे ना हिलाते रहना है, नीचे से लग जाएगा ना तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा जितना हिलाओगे। और आराम आराम से बनाना, एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब आराम से बनाऊंगा ना इसे, और जल्दीबाजी बनाने में बहुत बेकार लगता है ये। आराम से बनाओगे और नीचे से लगेगा भी नहीं तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और जब तक इसका उबाल नहीं आता ना, तब तक मैं किसे कुछ भी ऐड नहीं करूँगा इसमें। तो फाइनली इसमें हल्का हल्का उबाल आने लग गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगा जो मैंने दाल पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, मैंने सारे डाल दिए। और इसे ना मैं बढ़िया तरीके से मिलाऊंगा। अब आप चाहो ना, अब दाल, दो दाल भी इसमें साबुत मूंग से ही बनाते हैं, साबुत उड़द से ही बनाते हैं, मैंने यहाँ पर 4 प्रकार का दाल यूज़ किया है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, आपको जो दाल पसंद है वही दाल आप ऐड कर सकते हो, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप दाल कौन से भी डालो या ना डालो। तो मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के दाल डाले थे, साबुत उड़द, साबुत मूंग, राजमा और लूबिया। तो देखो बढ़िया तरीके से हमारा पक चुका है ये। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक, जीरा, हल्दी और मिर्चा मैं डाल दूंगा इसमें। मैंने लाल मिर्चा मीडियम यूज़ किया, मैंने 1 चम्मच यूज़ किया बड़ा का, बड़ा चम्मच का, मैंने मसाला बहुत कम रखा है इसमें। बढ़िया तरीके से मिलाऊंगा इसे, जो सारा मसाला इसमें मिल जाए। और हाँ, ये पूरा शाकाहारी, एकदम पूरा शाकाहारी डिश है, ना ही इसमें लहसुन ना ही इसमें प्याज है, कुछ भी नहीं है। आप बना के जो शाकाहारी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया भी है, और इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यह मैंने गोल्डी का शाही पनीर मसाला मैंने इसमें हल्का ऐड कर दिया, और मसाला डालने के बाद जो खुशबू आई ना, आया 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 मज़ा आ गया, जो ऊपर से जो स्मोकी वाला खुशबू आता है ना, वही मज़ा आता है भाई, दिल खुश कर देता है,
गार्डन गार्डन। तो उसके बाद देखिए बढ़िया तरीके से पक चुका है। इसके बाद मैं डालूंगा अमूल फ्रेश क्रीम। देख लीजिए अब मैं इसे बढ़िया तरीके से मिला लूंगा। और ये जो दाल मखनी की जो रेसिपी है ना, ये क्रीम की वजह से ही फेमस है यार। मुझे मज़ा आता है यार, जो क्रीमी क्रीमी लगता है ना, बहुत मज़ा आता है मुझे तो। दाल मखनी मुझे मेरा फेवरेट है यार। तो उसके बाद देखो बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा काली मिर्च का पाउडर। ये मेन इसमें काली मिर्च का पाउडर, मैंने तभी मैंने लाल मिर्च बहुत कम डाला था, काली मिर्च डालूंगा क्योंकि काली मिर्च अंदर ही अंदर सारा काम कर देगा। अब इसे मैं बढ़िया तरीके से मिला लूंगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जो खुशबू है और जो शाकाहारी है ना, वो प्लीज़ बना के खाए, आपको पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है इसका। तो उसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें कस्तूरी मेथी गोल्डी का। आय हाय हाय हाय, कस्तूरी मेथी डालने के बाद आया है, दिल छू गया यार, क्या खुशबू आई, मज़ा आ गया। तो एकदम बढ़िया तरीके से कस्तूरी मेथी को मिला दूंगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगा पतंजलि का देसी घी। मैंने पतंजलि का बस देसी घी कम से कम ना हो तो 50 से 60 ग्राम मैंने यूज़ किया है। देख लीजिए आय हाय हाय, दिल ही छू दिया है ये खुशबू यार, क्या बताऊँ। होटल से भी ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब होटल में जो खुशबू आती है उससे बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पर खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ। और उसके बाद मैं डाल दूंगा ना इसमें स्वाद मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चीनी। हल्का सा चीनी डाल दूंगा क्योंकि इसके लिए ये चीनी डालने के बाद ये पूरा जो टेस्ट होता है पूरा मेंटेन हो जाता है, पूरा एकदम ज़बरदस्त हो जाता है एकदम चीनी डालने के बाद। मीठा नहीं होता है, हल्का मीठा मीठा, हल्का तीखा तीखा लगता है, बहुत ही बढ़िया होता है। अरे देख लीजिए हमारी ग्रेवी, आय हाय हाय, मज़ा ही आ गया यार, क्या बनी है दाल मखनी हमारी। तो फाइनली मेरा दाल मखनी बनके तैयार, मैं इसे नीचे उतार लूँगा। तो गाइस ये हमारा दाल मखनी बनके तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और हाँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, फिर मेरे को ना और खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो गाइस आपको ऐसे नए नए वीडियोज़ मैं आपको ला के दूंगा, पूरा फ्रेश वीडियो ला के दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।